नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। कल से ही दिल्ली और उससे सटे इलाकों के आसमान में बादल छाए हुए हैं। कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश भी हुई। राजधानी दिल्ली के साथ ही नोएडा में भी लगातार बारिश हो रही है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि पूरे उत्तर भारत में बारिश का अनुमान लगाया गया है। बिहार, एमपी, राजस्थान, गुजरात के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। आईएमडी की तरफ से यहां कुछ क्षेत्रों के लिए अगले दो दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आज बिजली कड़कने के साथ बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हालांकि गुरुवार 24 अगस्त से मौसम में बदलाव हो सकता है, जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में पड़ रही उमस वाली गर्मी से राहत मिलने वाली है। ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी की तरफ से कुछ क्षेत्रों के लिए अगले दो दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने शिमला के लिए भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में यहां के सभी शैक्षणिक संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र 23 और 24 अगस्त को बंद होंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा में मध्यम से भारी बारिश होने की भविष्यवाणी है। इसके अलावा ओडिशा, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और एमपी के कुछ जिलों में बारिश होने के आसार हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।